कैच इट। नहीं यार अभी डोले चेक नहीं हुआ भैया के। पूरी दुनिया में कोविड आगे चला गया, बट अभी दिल्ली में एक छोटा सा स्पाइक आया था, उस छोटे स्पाइक में मैं पॉजिटिव हुआ था, वो आज तक कोविड नहीं हुआ। सो मेरे को जो कोविड हुआ भी था ना, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। मेरे को सारे के सारे सिम्टम्स थे, मेरे को जो कोविड हुआ था वो सिम्टोमेटिक था ऊपर से, जिसमें मेरा टेस्ट गया था, मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, फीवर था, कोल्ड था, गले में प्रॉब्लम थी, सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी। सो इट्स 7th ऑफ अप्रैल 2023 एंड 6:38 बाय दिस टाइम आई एम कोविड नेगेटिव। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए। पहले मैंने इस फ्राइडे मैच के लिए आउट लिखा था ग्रुप में, फॉर्चुनेटली आई एम प्लेइंग दिस मैच। सुबह अपना गोप्रो का डेटा जो है थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो दैट इसमें स्पेस बन जाए। फील्डिंग के टाइम पे वैसे मोस्टली सबसे ज्यादा डेटा यूज होता है। आई डोंट वांट कि जब मैं फील्डिंग कर रहा हूँ तब मेरे को स्टोरेज फुल दिखे। ऑल्सो सच सच बताना कितने लोगों ने अरिजीत सिंह की परफॉर्मेंस लाइव देखी थी, वो जो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी वाली थी। आधे घंटे की परफॉर्मेंस अगर किसी ने मिस करी तो यूट्यूब पर जाके देखो, इट वॉज चुम्मा। ऊपर से इस बार आईपीएल में इतनी सारी लैंग्वेजेस डाल दी है कमेंट्री की, हर लैंग्वेज को देखने का अपना ही अलग मजा है। भोजपुरी की, पंजाबी, मैंने गुजराती में भी देखा, हिंदी में भी सुनी है, इंग्लिश में तो चलो हम सुनते ही रहते हैं। सो गाइस मैच खेलने जाने से पहले मैं अप्लाई करूंगा दिस मामा अर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। नाउ दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल कर्ड वाला शैम्पू एंड कंडीशनर, हम लोग जैसे डीआईवाई करते थे पहले घर पे, सिर्फ दही लेके लगाना, वो बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस होता था एंड बहुत क्लमजी हो जाते थे हमारे बाल। बट आफ्टर यूजिंग दीज टू प्रोडक्ट्स, हमारे पास शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों की दोनों, सिर्फ कर्ड नहीं केराटिन के साथ भी आता है, एंड कर्ड एंड केराटिन दोनों की दोनों इंग्रेडिएंट मिलके 9x शाइनर हेयर देता है इन जस्ट ओनली वन वॉश। डिफरेंट शैम्पूज में सिर्फ केराटिन होता है तो उसमें आप लोगों को केमिकल्स एंड टॉक्सिंस भी देखने को मिलते हैं, बट व्हेन दीज टू प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, देन इसमें कोई भी केमिकल्स टॉक्सिंस नहीं है, इसमें सिर्फ दही और केराटिन है। सो अभी मैं जस्ट सो के उठा हूं, मेरे ड्राई बाल हो रहे हैं, देयर यू कैन सी बहुत ज्यादा फ्रिजीनेस है, कुछ भी स्ट्रेट नहीं है, कुछ स्मूथ नहीं बाल। बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कंडीशनर एंड शैम्पू, उसके बाद मैजिक देखते हैं। अब कर्ड जो है वो आपके बालों को नेचुरल कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है एंड वो जो ड्राइनेस इचीनेस है वो सब चीज हटाता है। ऑल्सो जो केराटिन है वो आपके बालों को मजबूत बनाता है, उसी के साथ साथ शाइनियर एंड स्मूदर प्रॉपर्टीज भी आपके बालों को एट द एंड ऑफ द वॉश दे जाता है। एंड बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर मेड सेफ सर्टिफाइड सो दैट यू कैन यूज इट ऑन द डेली बेसिस। सो मामाअर्थ बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा है, जैसे अभी प्रोडक्ट के अंदर भी, प्रोडक्ट के बाहर भी। जैसे एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, दैट मींस यू आर ऑल्सो contributing towards environment while buying these products. Mamaearth 1 million tree plant karne ka aim kar raha hai by the end of the year 2025, which is coming very very nearby. Aap logo ko pata hai ye Mamaearth ki aap logo ko offline product pe dikh jate hai, koi chemist ho, general store ho, kahin pe bhi ho, bahut sari jagah pe ab available hai. So online ke sath sath offline bhi aap khareed sakte ho. Agar aap logo ko online khareedna hai to aap log mera ek code use kar sakte ho to get extra 20% off and only on mamaearth.in ke website pe. This is my code ketan2023. And aur bhi bahut sari website hai, Amazon, Nike, Flipkart pe bhi jaake khareed sakte ho. बट वो 20% एक्सक्लूसिव सिर्फ mamaearth.in की वेबसाइट पे मिलेगा। एलेक्सा आज बारिश आएगी क्या? दिल्ली में आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो फाइनली एटलीस्ट अभी बारिश का तो कोई स्कोप है नहीं। दिल्ली में इस साल अप्रैल में क्या बारिश हुई है, और उसी की वजह से अभी थोड़ा सा मौसम भी अच्छा रहने लग गया इस टाइम पे। भाई रात को तो यार मैं फैन भी धूप पे करके सोता हूँ बस। और आज हमारे स्टार प्लेयर चल रहे हमारे साथ, हर्षित जाडू। दिखवाना ही पड़ेगा इनको, दिखते नहीं है, साला बाहर बैठा होता है कोच बन के और जॉब कर रहा होता है। अभी अभी जस्ट हम लोग ग्राउंड पहुंचे हैं, मैं जादू को बता रहा था कि ये ग्राउंड बहुत ही ज्यादा सिमिलर है केप टाउन से। डू यू रिमेम्बर केप टाउन? यस, मेरा टूर था ना इंडिया का, जब बकवास करा लो, वो बॉल बॉय बन के वो बंद कर रखी है एंट्री। बस सही में है, पहाड़ों के बीच में आ गए, तो ऐसे लग रहा है वहाँ से पहाड़ से होके एंट्री है, यहाँ से ऊपर जाके चढ़ के, और ऊपर अगर बैठ जाएगा ना वो स्टेयर चढ़ के जल्दी आउट होना है, वहाँ बैठेंगे दोनों मैगी खाएंगे। अबे चुप कर, ऐसे ये मैनिफेस्ट करके आता घर से कि आज तो मैं जस्ट जाऊंगा और मैगी खा के आ जाऊंगा। जाल तेरे पैर के निशान, शेर के तरह। अबे चुप कर भाई, हम लोग तो रेड में बैठते हैं मोस्टली, बट आज सोच रहा हूँ ग्रीन में बैठते हैं। ग्रीन में चलेंगे भाई आज। जादू बताना क्या करें, टॉस जीते हैं? तू तो वैसे भी इंपैक्ट प्लेयर है, तू बाहर ही बैठ भाई, बैटिंग करते हैं। कोई नहीं, गर्मी में, गर्मी भी इतनी नहीं होगी यार यहाँ पे, कोई गर्मी नहीं होगी, कुछ नहीं, इनको तो बॉलिंग करनी है। मैं फॉर्मल प्लेयर हूँ, चार ओवर खेली में। हम लोग जीते हैं टॉस और हमारी बैटिंग है अब। कीतन बैट कर ले, ठीक है? हाँ साहिल भाई के साथ ओपनिंग है, आप कर रहे हो स्ट्राइक? हाँ। वेट 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 वेट
अंदर आ रहा है बॉल, ठीक है थोड़ा देख के खेलियो। आ रही अंदर? हाँ, और अक्रॉस मत खेलियो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में। गंजा जो हो रही है, पिच हो रही है, तेरे को लग रहा है मार सकता है तभी मारियो। वेट, गुड बॉल है। वेट, कोई नहीं खेलना। शॉट यार जादू, क्रेजी शॉट मारता रहा, ठीक है। अच्छा, वेट, हाथ में वेट, वेट, गैप नहीं मिल रहा बे, यहाँ से गया ना तू? अरे कोई नहीं, सॉरी। नहीं, बढ़िया नहीं, बढ़िया सही है, कोई नहीं। स्टार्ट थोड़ा स्लो मिला बट बीच में मारेंगे। शॉट यार जादू, छक्का हो गया भाई, क्रेजी शॉट यार। यार डिविलियर्स वाला मार दिया बैक फुट पे छक्का ऑफ साइड में। अच्छा, शॉट यार जादू, नेट पे मार दिया यार, बॉलर बना दिया यार इसका तो तूने, क्रेजी खेलता रहा तू, ठीक है। ये जादू भाई मेडल ही मेडल मारी जा रहा है, मेरे से लग नहीं रही अभी। कोई नहीं, मैं अभी एंकर रोल ही प्ले करता हूँ, सबका दिन होता है, धीरे धीरे खेलेंगे, कोई नहीं बनेंगे। हाँ, वेट, शॉट यार, अरे क्रेजी शॉट, खेलता रहा, खेलता रहे। अरे वो लास्ट बॉल वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्की, ये हाथ में थी तू मना कर सकता था। ये तो रन है यार, ये नींद की फील्डिंग पे आ रहा है। चल ठीक है, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी बिल्कुल, हाथ पे सिंगल दे के भाग गया था। शॉट यार जादू, क्रेजी भाई। ठीक है, सही है भाई, सिंगल नहीं छोड़ने बिल्कुल, भले बैट से नहीं आ रहे हो रन। शॉट यार जादू को धूप मिल रही है, खाई जा रहा है। चल बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, शाबाश चोकर। Yeah.
भाग भाग भाग, नहीं हो रही, नहीं हो रही, दूर है। नहीं बढ़िया खेल रहा था वो। मेरी बैटिंग बहुत बुरी हुई है भाई, हॉरिबल खेल रहा 46 पे अभी। क्या छोड़ दी भाई, मेरे साथ आज लग ही नहीं रहे, इतना बुरा लग रहा था ना खुद के लिए। इन कोविड के बाद वो पता नहीं थोड़ा सा जान नहीं है, बट कोई नहीं, वो खेल खेल के ही आएगा। भैया मैगी बना दो, बैटिंग तो हुई नहीं आज, यही खा लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ के बोलेगा कि भाई बढ़िया बैट पर आ रही थी, बढ़िया रन बना दिए, तुमसे क्यों नहीं लगे। बड़े प्लेयर ऐसे ही बोलते हैं भाई, डी विलियर्स जैसे छक्के मारे ऑफ साइड के। जादू बता क्या खाएगा, मैगी ऑमलेट पॉटी? क्या यार जादू आउट हो गया, 100 बनाता आज। वैसे हाफ तो गया था ये भी, 40 के बाद बैठने को हो गया था। हमारे पास तो नहीं आएगा, चौका आ गया भाई, छक्का, छक्का है सिंगल। चल आगे आगे बहुत बढ़िया, ओवर थ्रो शॉट है आयुष एडी एंड जादू भाई वेल प्लेड, नाइस गेटिंग टू 150 वाज वेरी, मैं देख नहीं रहा था कि हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। दिवांश तेरा स्पेल बड़ा ही क्रूशियल रह गया इस मैच में, ठीक है, एंड आई वांट कि तेरा स्पेल जो है वो टुकड़ों में यूज किया जाए, ठीक है, स्पेशली थोड़ा एंड में रखा जाए। अब हमें एंड में क्लोज रन बचाना है। 2-1 फैंटम, बोल के चलना यार, सारे बोल के चलना पहली बॉल से। कैच इट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आएगा आएगा। ओ यार गुड बॉल है, बोल यार, ग्रेट बॉल ग्रेट बॉल ग्रेट बॉल, बहुत छोटा हो गया। गुड बॉल गुड बॉल, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, कह जा रहा है कह जा रहा है, शाबाश। बोल चल 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, बिग शॉट कमिंग बॉयज, चल चल चल, आ गया था, फंस गया था पैड पे, आ गया था बॉल। ओ फील्ड यार, आजा आजा, कोई नहीं, पहुंच गया था क्या वो अंदर, पहुंच गया था यार। अच्छा बॉल है वाला, अच्छा है, ट्राइड ट्राइड है, कोई नहीं, अच्छा अच्छा बैठ गया बॉल, चल आजा आजा यार अंदर आजा, रन कम है थोड़े आज ना, बॉलिंग भी आज पूरी नहीं है ना, हमारे मेन चार पांच तो प्लेयर रहेंगे ना। हाँ, तुषार नहीं है, भवे नहीं है, वासु नहीं है, पुलकित ओपनिंग बॉलर नहीं है। कैच इट, ट्रैवल कर गया भाई ये तो, बढ़िया भैया, थोड़ा ऐसे खींचा हुआ डालो, आएगा। बैड बॉल यार बैड बॉल, बोले कैच, लेट्स गो। अरे बम्प थोड़ी का है, बम्प थोड़ी हुआ ही, अरे चलो आरपी भाई, कोई नहीं, वन विकेट डाउन है, शाबाश। बैड बॉल, ये बॉल है, डबल डबल डबल, अरे भाग लो यार, भाग तो रहे हैं यार, निकाल रहा
कैच इट। चलो शाबाश, थैंक यू। वही तो दीपक कुमार है, शर्मा है, कुमार नहीं है तो डीके क्यों लिखा हुआ है? दीपक लिखवाया था, डीके डी स्टार्टिंग के एंड। अबे यार अपना सरनेम छोड़ दिया तूने। अरे मैंने एस लिखवाने को बोला था, उल्लू के बट्टे ने के लिखवा दिया। वन मोर विकेट कमिंग बॉय, जल्दी आएगा ये वाला। बोले यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कैच इट। बोले आजा जा भाग के, एक कैच इट। ट्रैवल कर गया यहाँ पे तो नहीं यार, अभी डोले चेक नहीं हुआ भैया के, पहाड़ के पीछे वाला चाहिए क्या तेरे को? चल यार शब आयुष एक झूला हुआ दिखा दे यार बॉल। अरे देवा ऐसे प्रेशर नहीं बनेगा। ओ ए वाला बॉल अच्छा है, शाबाश। ले बॉल ले ले बॉल ले ले। 7 ओवर 83 भाई यार, एक तो सर घूम रहा है बिल्कुल ही, रन निकलते जा रहे हैं, मैच नहीं बचना ये वाला शायद अब तो। बोले आने दो आने दो, कैच इट। फंस गया शाबाश। अरे कैसा यार चौका कैसे चला गया ये, यार ये भी कैच आउट था। चलो यार फंस गया था। एक और बार आ रहा है, फील्ड है। 8 ओवर्स 92। लो भाई विकटे नहीं गिर रही हैं, विकटे अगर आ रही हैं तो कैच नहीं पकड़ रहे हैं लौंडे, आज तो कमाल ही हो गया। पूरा रन करता पहले तो आ जाता। गुड गेम, चलो थैंक यू शाबाश। बहुत देर से ही हो रहा था, आधे शॉट लग रहे थे कैच नहीं पकड़ रहे थे लौंडे। 3, 2, 1 फैंटम। भाई मैं तो जाके बाहर बैठूंगा 2 ओवर बाद, क्योंकि अब इतनी एनर्जी नहीं है, अपने शरीर के स्वाद अनुसार ही खेलना चाहिए, ना कम और ना ज्यादा। ओए बॉय शाबाश, शाबाश। फंसेगा यहीं से मैच फंसेगा अब। आउजे बोले और जी। ओ कैच, ओ गुड कैच यार, जादो। ये बात हुई ना मेरी जान भाई, मैच बन रहा है वो इस समय। बहुत बढ़िया कैच है, चलो गुड बॉल, आपका भी अच्छा ओवर था शाबाश, गुड बॉलिंग। चलो चलो 3 आउट है ना? हाँ 3 हो गए, 2 ओवर, 2 विकेट हो रहे हैं, 2 ओवर है शाबाश। इसके आगे मैच का दूंगा। 3, 2, 1 फैंटम्स। बाउंसर बैड था शायद पहले, कैच ही फील्ड यार, शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा सार्थक कैच है। कोई नहीं, सही है शाबाश। पैनिक होगा यहाँ से बैटिंग अटैक, कैच बहुत छोटा हो गया। कोई नहीं, गुट रहा है। 10 ओवर हो गए हैं, 102 रन बन गए इन लोगों के, एंड 3 विकेटें गिर गई हैं। सडनली अगर 2 विकेटें अभी मिल जाती हैं तो मैच बनेगा। व्हाट अ प्लेयर यार, ये जनकपुरी से इंडिया खेलेगा, स्टाइल मार रहा है आज तो, बढ़िया से कीपिंग करके चलियो। 50 रन चाहिए, बचा लेना फील्ड में भाई, अब थोड़े मैच तो हार गए हम लोग मोस्टली, अब सिर्फ 38 रन चाहिए जीतने के लिए इन लोगों को। एक और विकेट आई तो है अभी, अब 41 में 13 रन चाहिए, बस हार ही गए ऑलमोस्ट। रन थोड़े से कम बने थे और बॉलिंग भी बहुत ज्यादा एवरेज हुई आज हमारी, बॉलर्स भी नहीं थे। छक्का, ओनली 7 रन टू विन नाउ, सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने के लिए, शायद बाउंड्री से खत्म करेगा अब। ओनली 1 रन टू विन, 150 हो गया। अबे खत्म, ये देखना अभी छक्का मारने के लिए जा रहे हैं। Oh, 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 oh
ऐसे बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से मेरे को वीकनेस हो गई आज, बट अपने अंदर की वो आवाज होती है ना कि खेलना ही खेलना, बट बिल्कुल ही नहीं खेलूंगा और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो गया तो वीक ही हो जाएगी बॉडी। मैं सोचा कि आज जाके आते, मैं संडे वाला मैच नहीं खेल रहा नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ऑल दो वी लॉस्ट द मैच एंड आई नो बहुत टाइम बाद ब्लॉग आया है, बट अभी बहुत इनकंसिस्टेंसी हो गई है चैनल, विच आई पर्सनली नेवर वॉन्टेड, बट कुछ सिचुएशन ही ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कॉन्टेंट, बट एस इट इज गोइंग टू बी गुड इन फ्यूचर। एंड मेरी बॉडी में अभी भी कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जैसे मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ, मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी आती है, सुबह जब भी मैं बात करता हूँ मेरा नोज क्लॉग्ड रहता है, मेरी जो ब्रीदिंग एक रिदम होती है वो भी ऑफ ट्रैक जा चुकी है, सो आई नीड टू बी मोर फिजिकल फ्रॉम नाउ ऑन ताकि वो वापस से एंड्योरेंस एंड स्टैमिना सारी चीजें वापस आ जाए। एंड गाइस प्लीज बी सेफ, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हो थोड़े बहुत केसेस स्पाइक हुए थे, इट वाज अ स्मॉल स्पाइक, बट यस होपफुली ये सब चीजें ना हो किसी को भी तो ही बेटर है। एंड गाइस हमारा नेहरू प्लेस में एक मीटअप होने वाला है, दोज हु आर इन दिल्ली प्लीज डू कम एंड मीट मी एट नेहरू प्लेस। डोहिल चेंबर करके है एक जगह है वहां पे नेहरू प्लेस, अगर आप गूगल करोगे किसी से पूछोगे, आई विल बी ओवर देयर ऑन 13th of April। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन Instagram story। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, as always, but take care, peace out, bye।